कि ये लाल क्यों दिख रहा है? पीआरपी का जो प्लेटलेट होता है वो तो वाइट या पीला होना चाहिए ना, येलो होता है। हाँ येलो होता है, पर आप जो लगा रहे हो वो लाल दिख रहा है। हाँ, ये आप देख सकते हो क्लियरली, ये पूरा येलो कलर का है, इसमें कोई भी रेड या कलर मिक्स नहीं है पूरा। तो पीआरपी हो गई कंप्लीट और इंस्टाग्राम पे वीडियो आ चुकी है, और आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन थे कि मैं जो क्लिनिक से करवाया हूँ वो कौन सा क्लिनिक है। सत्रीयकाल, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे फेस्टिवल सीजन। तो आज इस वीडियो में जो स्पेशल मैं बात करने वाला था वो ये था कि मैं आज अपना पीआरपी कराया, और एक्चुअली मैं क्लिनिक गया हुआ था जहाँ से मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। तो आज मैंने पीआरपी ली, और आप लोगों के कुछ कमेंट थे जो कि मैंने थर्ड पीआरपी करके एक वीडियो बनाया था उस वीडियो पे, कि जो मैं प्लेटलेट लग रहे थे वो रेड कलर के क्यों थे और प्लेटलेट अच्छा नहीं है यहाँ पे, वो लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं, ये वो बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो वो सारे जो डाउट थे आप लोगों के, जो सारे क्वेश्चन थे, इवन मुझे भी था वो डाउट कि रेड कलर का क्यों है, प्लेटलेट तो येलो कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो वो सारे डाउट आज मैंने क्लियर किए, मैं गया था क्लिनिक। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में है, तो आप वीडियो को पूरा देखना। जैसा मैंने बताया था कि मेरा हेयर फॉल हो रहा था बीच बीच में, तो उसके लिए मैंने मेडिसिन भी चेंज की है, नया मेडिसिन लिया है, और मैंने मिनोक्सिडिल के भी परसेंटेज बढ़ाए हैं। पहले मैं 5% यूज़ करता था, अब मैं 10% यूज़ करने वाला हूँ। आज मैं नया पैकेट लेके आया हूँ, तो उसके लिए मैं अलग मेडिसिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको यूज़ करने के बाद जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या बेनिफिट है उसके। तो इस वीडियो में मैं पीआरपी और पीआरपी से कुछ रिलेटेड जो डाउट थे, मेरे क्वेश्चन थे, वो मैंने पूछे हैं और दिखाया है कि इंजेक्शन लगता कैसे है, ब्लड निकलने के बाद क्या होता है। और हाँ, हो सके तो मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ कमिंग डेज में, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि पीआरपी एक्चुअली मतलब ब्लड निकालने से लेके एंड टू एंड फ्लो कैसे होता है, लास्ट तक जब तक पीआरपी लगती है तब तक वो ब्लड को कैसे सेफ रखना, उसको एक्सट्रैक्ट करना। तो उसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, और मैं ये भी बताऊँगा कि उससे बेनिफिट क्या है पीआरपी का, और डायरेक्ट वो मैं डॉक्टर से मिल के ही आपको बात करवाऊँगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो रही है। तो मैं कमिंग वीडियो में डॉक्टर के साथ लाइव सेशन आने वाला हूं, तो उसके लिए आप जितना ज़्यादा हो सकता है अपने डाउट हो, जो भी क्लैरिफिकेशन हो, आप कमेंट में डालो मुझे, उन सारे कमेंट को मैं एक दिन डॉक्टर के साथ लाइव आऊँगा और सारे जो डाउट हैं आप लोगों के, बड़े छोटे सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो उसके लिए पहले आप लोगों को इस वीडियो पे जितना ज़्यादा हो सकता है कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है, और लोगों तक जिनको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो, वो मुझे मैसेज कर सकें, कमेंट कर सकें। आप कमेंट बॉक्स में आप जाके जितने डाउट हैं आप कमेंट करो मुझे। मैं कमिंग कुछ दिनों बाद मे बी मेरे जो बियर्ड का, जो मैंने बताया था वीडियो कि मैं अपना डोनर एरिया भी दिखाने वाला हूँ बियर्ड का और कैसा लुक आता है, उन कुछ वीडियो के बाद मैं डॉक्टर के साथ लाइव आने वाला हूँ। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो वो, और आप अपने दोस्त में जिनको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या फिर जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं डॉक्टर से, वो अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे मैं उन्हें ही प्रेफरेंस दूंगा, पहले उन्हीं के क्वेश्चन पहले मैं क्लियर कराऊंगा डॉक्टर से, वो क्वेश्चन मैं पूछूंगा डॉक्टर से। तो अभी आप इस वीडियो को देखें पूरा, क्योंकि इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है, और कमिंग वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, और आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, और इस वीडियो में मैंने रिजल्ट दिखाया है। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फटाफट जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि आप मुझे वहाँ पे मैसेजेस कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ पे बता सकते हैं जो भी आपके डाउट है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारे लोगों को रिस्पॉन्स करूँ जितना हो सकता है, मैं उनको अब उनके डाउट क्लियर करता हूँ। वहाँ पे सबसे पहला अपना जो भी वीडियो एडिट करने वाला होता हूँ या फिर जो भी मेरा रिसेंट फोटोज होता है, मैं वहाँ पे आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। Start.
स्टार्ट होने वाली है। देख लो कैसे TRP होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैसे और भी वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। ओके। कैंसिल तो नहीं हो रहा ना? बिल्कुल नहीं। वैसे बहुत लोग के क्वेश्चन थे भाई कि ये लाल क्यों दिख रहा है। TRP का जो प्लेटलेट होता है वो तो वाइट या पीला होना चाहिए ना, येलो होता है। हाँ येलो होता है, पर आप जो लगा रहे हो वो लाल दिख रहा है। हाँ ये दिख रहा है, कुछ रीजन इसके बता दूँ मैं। हाँ इसका रीजन निकालते हैं प्लाज्मा, इसका येलो ही होता है। हाँ हाँ जब हम सेपरेट कर देते हैं तभी येलो रहता है। फिर तो ये जो मिक्स करते हैं तो नीचे हल्का सा इसमें ब्लड जो रहता है उसी से ये प्लाज्मा रेड हो जाता है। तो उससे ऐसे मिक्स कर देते हैं ना इसको, तो वह रेड हो जाता है। तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होता ना, फिर से ब्लड लगा रहे हैं? नहीं, ब्लड नहीं होता है, प्लाज्मा ही होता है। क्योंकि मेरे YouTube पे बहुत लोगों के कमेंट थे, पुराने वाले जो मैंने दिखाए थे ना TRP का, तो उसमें लोग बोल रहे थे कि हर जगह मैं देखा हूँ पीला पीला होता है। पीला ही होता है, ये भी पीला ही होता है, बस इसमें वो जो रहता है मिक्स कर देते हैं ना, ऐसे घुमा देते हैं वाइल्स को, ये जो है हो जाता है रेड हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम वापस आपको दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं श्योर आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे निकलता है प्लेटलेट और लाल क्यों हो जाता है। जो आप लोगों के डाउट थे कि यहाँ पे PRP जो होता है वो प्रॉपर नहीं है, वो मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा PRP के लिए। तो PRP के कितने टाइम बाद बालों को नहीं धोना चाहिए? जैसे हम PRP अभी कर देते हैं तो आज के लिए हम मना कर देंगे। तो और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए PRP के बाद तुरंत और पहले PRP के? कुछ नॉर्मली वैसे ड्रिंक उसमें भी होता, नॉर्मली मना जाता है। और थोड़ा हैवी वेट के लिए मना कर देते हैं हम। हैवी वेट मतलब किसी का बहुत हैवी वेट है तो उसको? नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो तो हैवी वेट है वो तो लेके चलेगा ही साथ में। अच्छा मतलब एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज के लिए तुरंत एक्सरसाइज ना करें। बाकी नॉर्मल वैसे ही है। पेन की आप लोग बात कर रहे थे तो मैं बता देता हूँ, पेन उतना ज़्यादा नहीं होता है PRP करते टाइम, बहुत ही माइनर सा ऐसा लगता है चीटी काट रही है और तुरंत रिलैक्स हो जाता है वहाँ पे। क्राउन एरिया पे हल्का सा दर्द होता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा चुभता है पेन, तो ऐसा फील होता है, बाकी मुझे नहीं लगता है कि पेन होता है। आप देख रहे हो मैं एकदम स्मूथली PRP करवा रहा हूँ, पता नहीं चल रहा उतना, हल्का सा ऐसा लगता है चीटी काट रही हो, फिर वापस ठीक हो जाता है तुरंत एक मिनट में, एक सेकेंड के अंदर में, क्योंकि जब तक इंजेक्शन अंदर जाता है उतना दर्द होता है, उसके बाद नहीं होता है। थोड़ी देर बाद आपको शायद इचिंग हो, अगर आप PRP करवा रहे हो फर्स्ट टाइम तो एक आध घंटे बाद हल्की सी बालों में इचिंग होती है, पर उसको अवॉइड करें तो मेरे ख्याल से बेटर रहता है। क्यों भाई? रिजल्ट आप लोग देख ही रहे हो कैसा रिज़ल्ट है, और वैसे बहुत सारी मैं वीडियो बना चुका हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, तो अब आई लिंक में मैं डाल दूंगा इसको आगे पीछे कहीं आप देख लेना। नेक्स्ट टाइम PRP हम दिखा देंगे, इसको बता देंगे कि इसमें रेड क्यों हो जाता है। तो उसका एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर PRP के, और PRP के बारे में और भी जानकारी लेंगे यहाँ पे आके वापस, कि ब्लड निकालने के बाद कैसा PRP का वो जो रिज़ल्ट आता है प्लेटलेट आता है वो निकालने के बाद कैसा दिखता है। PRP कंप्लीट हो गई, क्राउन एरिया में भी हो गया। सो देखो अब चार से पाँच मिनट लगा उस PRP होने में, थोड़ा सा अब इसके बाद क्लीन होगा स्कल, क्योंकि जो ब्लड निकल रहे होते हैं उनको क्लीन किया जाता है। ब्लड तो निकलते नहीं है, बस कहीं कहीं भी पिंच से चुभते हैं तो रेड हो जाती है ना, तो कहीं कहीं पिंच से सर जो पिन लगता है इंजेक्शन नीडल, उससे अगर कहीं कहीं ब्लड निकल रहा होता है तो वो क्लीन होता है कि वो जमे ना। क्यों? तो कमिंग वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला हूँ मैं, डायरेक्टली डॉक्टर से एक बार डिस्कस करूँगा, लाइव सेशन करूँगा। तो होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर आपको PRP दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि PRP एक्चुअली में होता कैसे, प्लेटलेट निकाले कैसे जाते हैं। Thank you.
खुद पीआरपी हो गई कंप्लीट भाई। लुक देख रहे हो आप लोग कैसा लुक आ रहा है, सब कुछ है आपके सामने है। अभी बालों में थोड़ा पानी है इसलिए थोड़ा जमा है। ये होता है पीआरपी, जो प्लेटलेट एक्चुअली निकलता है वो होता है इस पीले कलर का। आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूँ, जो लास्ट वीडियो मैंने बताया था बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कि लाल क्यों है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि अभी होता तो लाल क्यों होता है। अब ये देखिए ये है, जब दोनों एक वायल्स मिलते हैं हल्का नीचे है, हाँ ये होता है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हल्का सा ब्लड है नीचे प्लेटलेट निकालने के बाद। तो इसको हम जो है दोनों सेपरेट करके दोनों मिक्स करते हैं। अच्छा, तो दोनों को मिक्स करते हैं तो इस वजह से वो लाल हो जाता है। तो बस यही सीन था, इसलिए जो आप लोगों का डाउट थे कि क्यों लाल कलर का है पीआरपी, वो यही रीज़न है। पीआरपी एक्चुअली जो प्लेटलेट है ये पूरा पीले कलर का ही होता है निकालने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो नीचे हल्का सा ब्लड जम जाता है उसको मिक्स करते टाइम ये लाल हो जाता है। और कोई खास इसमें नहीं है कि क्लियर निकाला नहीं गया है या फिर कुछ ऐसा, तो परफेक्ट पीला ही होता है पीआरपी आप लोगों के। ये आप देख सकते हो क्लियरली ये पूरा येलो कलर का है, इसमें कोई भी रेड या कलर मिक्स नहीं है, पूरा येलो कलर में। सो ऐसा होता है पीआरपी प्लेटलेट्स। तो पीआरपी हो गई कंप्लीट और इंस्टाग्राम पे वीडियो आ चुकी है। और आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन थे कि मैं जो क्लिनिक से करवाया हूँ वो कौन सा क्लिनिक है, तो उसका वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ और मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, वो है डर्मा लाइफ जो कि ग्रीन पार्क में है और ग्रीन पार्क मेट्रो तो स्टेशन यहाँ पे है दिल्ली में। एंड अभी मैंने कुछ और नए मेडिसिन लिए हैं क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा हेयर फॉल बीच बीच में हो रहा है फिर रुक जा रहा है, तो उसके लिए मैंने फिर से अपना मेडिसिन कुछ चेंज कराया है, तो वो भी वीडियो आने वाली है, उसका मैं अलग अपडेट देता हूँ। और उसके बाद उसको खाने के बाद रिज़ल्ट भी बताऊँगा कि उसे हेयर फॉल रुक रहा है या नहीं रुक रहा है। तो अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम नहीं चेक किया तो आप फटाफट वहाँ जाके चेक करो, मैंने पीआरपी की जो फ़ोटोज़ हैं और वीडियोज़ हैं वो अपलोड की है वहाँ पे, बाकी वीडियो एडिट करने के बाद जल्दी आ जाएंगी यूट्यूब पे। एंड आई होप कि आपका जो पीआरपी का जो रेड कलर का डाउट था, रेड और येलो कलर का, वो डाउट क्लियर हो चुका होगा अब तक इस वीडियो के बाद। और मैंने दिखाया कि मैंने कुछ नया मेडिसिन लिया है, आपको दिखाया नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है। तो बस इस वीडियो में आज इतना ही आप लोगों को बताना था, और कमिंग वीडियो में एज यूजुअल जैसे मैं इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, रिजल्ट दिखाता हूँ आप लोगों को, वो मैं रिजल्ट दिखाऊंगा। तो बस आप लोग अपना फेस्टिवल एंजॉय करें और तो बी फिट बी एक्टिव। बाय बाय।